हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं वाल्मीकि गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने वाल्मीकि यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जो भी सेल्स चल रही हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। आजकल क्या हो रहा है कि आपको इंटरनेट पे बहुत से सजेशन मिल रहे होंगे कि आप ये मोबाइल खरीद लीजिए, ये मोबाइल आपके लिए बढ़िया है, ये मोबाइल आपके लिए बढ़िया है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जी हाँ जो प्राइसिंग है वो ट्रिकिंग तो है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि 1 लाख के गैजेट को 60,000 में बेच रहे हैं, क्या बोलकर 40,000 का एक्सचेंज ऊपर। और सभी के पास तो कोई एक्सचेंज में देने के लिए स्मार्टफोन चाहे कोई गैजेट तो है नहीं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आपको ये जितनी भी कंपनियां हैं आपको एक फंसा रही हैं, आपको ये जितनी भी कंपनियां हैं फंसा रही हैं। और इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, वैसे बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में बातें करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैंने क्या किया, जो भी अमेजन और फ्लिपकार्ट के जो भी डील हैं उनके बारे में सबको मैंने देखा, एनालाइज किया, और उसके अंदर से आपको मैं एक सीरीज बना के देने वाला हूँ। वीडियो के अंदर सीरीज बना के देने वाला हूँ जो कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 35,000 ऐसे अलग अलग प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन जो भी होंगे जो कि इस सेल के अंदर अवेलेबल है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको अपने लिए कोई स्मार्टफोन खरीदना है या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में, रिलेशनशिप या फिर किसी और को बताना है, तो आप इस वीडियो को पूरा इस सीरीज को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग प्राइस ब्रैकेट के अंदर कौन बढ़िया स्मार्टफोन है। और इस वीडियो में मैं आपको अभी अंडर 10 के यानी 10,000 के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि एक बजट स्मार्टफोन है, जो कि पोको M6 Pro 5G है। ये जो स्मार्टफोन है पोको M6 Pro 5G, ये फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको 9,000 रुपये का लिस्ट हुआ है। और इसकी अच्छी बात यह है कि 9,000 रुपये के अंदर आपको एक 5G फ़ोन मिल रहा है। और चलिए मैं फटाफट आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सारी डिटेल्स दे देता हूँ। इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट है, ग्लास बैक पैनल है, 6.79 इंच की ना फुल HD 90 हर्ट्ज की LCD डिस्प्ले के अंदर, और इस फोन में ना 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की चार्जिंग है, और इस प्राइस सेगमेंट में टाइप सी पोर्ट होना अच्छी चीज है। और कहना पड़ेगा परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से ठीक है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 मिलता है, UFS 2.2 स्टोरेज है, और जिसका 50+2 MP का कैमरा सेटअप है डिसेंट फोटोज खींच लेता है प्राइस के हिसाब से। तो ये इस फोन की कुछ अच्छाइयां थी। आई होप आप लोगों को ये 10,000 का स्मार्टफोन जो है पोको M6 Pro पसंद आया हो। अगर आपको खुद को लेना है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये स्मार्टफोन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, कहीं उन लोग कंफ्यूज हो कि 10,000 के अंदर कौन सा स्मार्टफोन लेना है तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। और अब मैं आपको 15,000, 20,000, 25,000 अलग अलग प्राइस ब्रैकेट के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूं। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।